हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेके आ गई एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 2023 को रिप्लेस करते हुए 2024 आने वाला है। तो इस तरह की अभी एक बहुत तगड़ी वाली फोटो एडिटिंग वायरल चल रही है जो कि कुछ इस तरीके से 2023 को 2024 रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह की फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हैं आज आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे पिकार्ड्स में। पिकार्ड्स में जाने के बाद आपको एडिटर फोटो में चले जाना है और आपको एक फोटो ले लेनी है जिसके आपके सर के ऊपर में ना बहुत सारा मतलब आसमान दिखाई दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपको टूल्स में जाके इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, जैसे इसके ब्राइटनेस बढ़ा लेनी है, इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा कर लेना है आपकी फ़ोटो के हिसाब से, क्लैरिटी वगैरह थोड़ा उसका बढ़ा लेना है, ठीक है। सैचुरेशन देख लेना है कितना, क्योंकि आप ये इसका जो रो फोटो आपने देखा कुछ इस तरीके का था और इसको मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ इसके फ़ोटो को, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपके पास एडिटिंग स्किल्स है सब इसमें लगा दो, ठीक है। सारी अच्छी मतलब इसको बढ़िया एकदम दिखाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ देख सकते हो, होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है। उसका कर्व यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग जाएंगे टूल्स में और यहाँ पे कर्व का ऑप्शन दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कर्व यूज़ कर लेंगे जिससे कि ये फोटो थोड़ी और ज़्यादा इन्हेंस हो और ज़्यादा बढ़िया दिखने लगेगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर्व सेलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारी लगभग फोटो रेडी हो चुकी है। अब हमको इसमें करना है टेक्स्ट ऐड, ठीक है। तो टेक्स्ट 2023 पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 202 लिखेंगे, ठीक है। और देख सकते हो आसमान के कलर को हमको मतलब मैच नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहले या तो यहाँ पे ब्लैक कलर से कर लो या फिर आप ब्लू कलर से कर लो, ठीक है। मतलब जिस जो भी कलर आपको सही लगता है। तो यहाँ पहले मैं आपको ब्लू कलर से करके दिखा दे रही हूँ। 202 हमने लिख लिया है, फिर 3 को आपको अलग से लिखना है और थोड़ा सा ऊपर साइड में लिखना है ताकि ये 3 ऐसा लगे कि ये ऊपर साइड से ऊपर खिसक रहा है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये ऊपर खिसकने के लिए हमको यहाँ पे कलर में ही क्लिक करना है और ग्रेडियंट में क्लिक कर लेना है जिससे कि ये ऊपर में 3 हल्का सा व्हाइटिश टाइप से दिखे ताकि ऐसा लग रहा है ये मिट रहा है ऊपर 3 जाते हुए, ठीक है। एंड 4 को हम लोग फिर ले लेंगे और इसको 3 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। एंड सेम ग्रेडियंट ही यूज़ करेंगे, ब्लू एंड वाइट कलर का ग्रेडियंट यूज़ करेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि 4 जो है 3 को रिप्लेस करते हुए आ रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम दूसरे कलर में भी कर सकते हो। ये अभी आपने ब्लू में देखा, मैं इसको आपको ब्लैक कलर करके दिखा देती हूँ। सेम वही रहेगा, वाइट एंड ब्लैक 3 और 4 में आप ग्रेडियंट करना, ठीक है। तो ईजिली हो जाएगा, कलर्स में क्लिक करो तो ग्रेडियंट सेकंड नंबर में आपको दिख जाएगा। तो ऐसा लग रहा है देखो 3 को रिप्लेस कर रहा है 4, ठीक है। उसके बाद अ न्यू बिगनिंग आपको लिख लेना है और 2023 या फिर 24 के नीचे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो या फिर कुछ और आपको जो टेक्स्ट है वो लिखना है तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे फॉन्ट देखो, तो मेरा कहना है कि आप एकदम कैपिटल्स वाले ही फॉन्ट लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा जिसके लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का मतलब जो है पूरा लिखा हुआ दिखा रही हूँ आपको। आप चाहे तो व्हाइट कलर में भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों फोटोज़ दिखा दूँगी जिसमें एक बार मैंने ब्लैक कलर में भी एडिटिंग की हुई है और वाइट कलर में भी की हुई है। तो देख सकते हो 365 बाई 365 डेज मत लिखना भूलना, कुछ इसी तरह की सारी फोटोज़ एडिट हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो लमसम हमारी जो फोटो है वो बनके रेडी हो चुकी था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये फोटो कैसी लगी। और ये देख सकते हो रो फोटो कुछ ऐसी थी और ये लगभग बनके रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हो ये वाइट में न्यू बिगनिंग लिखा हुआ है और एक साइड में न्यू बिगनिंग ब्लैक में लिखा हुआ है। कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी लग रही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।